कहा डीडी न्यूज के खास कार्यक्रम मॉर्निंग प्राइम टाइम नया सवेरा को लेकर हाजिर मैं कृतिका। अगले एक घंटे में हम जानेंगे देश से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें, जिसमें मुख्य तौर पर बात होगी आज भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को आज पुष्पांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में नजर आएंगे। इसके साथ ही और भी तमाम अन्य खबरें होंगी और अगले एक घंटे में मेरा साथ देंगी मेरी सहयोगी भावना। सुप्रभात भावना। सुप्रभात कृतिका। नया सवेरा के सभी दर्शकों को भी सुप्रभात। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। जी हाँ, ये वही कविताओं के बोल हैं जो भारत रत्न भारत के पूर्व प्रधानमंत्री युग पुरुष अजात शत्रु अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा बोले गए हैं। और ये बोल कल भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक है और कल भी प्रासंगिक रहेंगे। आज पूरा देश भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन कर रहा है और अब से कुछ देर बाद अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल सदैव अटल पर देश के गणमान्य व्यक्ति राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री और तमाम नेता गणमान्य नेता वहाँ जाएंगे और अटल बिहारी वाजपेयी की को श्रद्धांजलि देंगे, पुष्पांजलि देंगे। इसके अलावा खबरें और भी होंगी। कोलकाता में रेप और हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, देश भर में आक्रोश और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने देशव्यापी हड़ताल की घोषणा कर दी है। इसके अलावा खबरें होंगी। इसरो आज एक नई छलांग मारने जा रहा है, वो भी आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज, देश भर में कई कार्यक्रमों का होगा आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव अटल पर अर्पित करेंगे पुष्पांजलि। इसरो की आज सुबह 9:17 पर ऐतिहासिक लॉन्चिंग, देश को मिलेगा नया रॉकेट SSLV G3 और सैटेलाइट EOS-8 से मिलेंगी आपदाओं की सूचना। बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में डॉक्टर्स, आज शाम इंडिया गेट पर निकालेंगे कैंडल मार्च। कल सुबह 6 बजे से 24 घंटे के लिए देश भर में हड़ताल का ऐलान। इमरजेंसी के अलावा सभी सेवाएं रहेंगी बंद। कोलकाता रेप मर्डर केस में इंसाफ के लिए बंगाल समेत देश के कई हिस्सों में आज बीजेपी का प्रदर्शन। पीड़ित परिवार के समर्थन में उतरा बॉलीवुड। बंगाली फिल्म और टेलीविजन उद्योग ने भी पीड़ित परिवार के लिए मांगा इंसाफ। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने की विभत्स घटना की निंदा। ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी के बीच स्वीडन में मिला मंकी पॉक्स का वेरिएंट। अफ्रीका के बाहर पहला केस सामने आने पर WHO ने जताई चिंता। वैक्सीन समूह गाफी ने जुटाए $500 मिलियन। आज होगी 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। साल 2022 में रिलीज हुई फिल्में पुरस्कारों की दौड़ में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए कई बड़े नामों पर चर्चा। तो ये थी सुबह की सुर्खियां और सुबह की सुर्खियों के बाद खबरों में विस्तार से बात करेंगे और नया सवेरा में सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास और अहम खबरें। और शुरुआत करते हैं आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है। किसी भी परिस्थिति से जूझने और उसे हार न मानने का मूल मंत्र देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पुण्यतिथि है। भारतीय राजनीति में अजात शत्रु की तरह याद किए जाने वाले अटल जी को आज पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति में रहते हुए एक विशिष्ट और सराहनीय मुकाम को हासिल किया था। आइए एक नजर डालते हैं उनके विराट व्यक्तित्व पर। 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्म हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी का। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा विशाल व्यक्तित्व उम्र के नंबरों से कहीं परे और विराट है। उनका राजनीतिक सफर 4 दशक से ज्यादा का रहा। नेतृत्व क्षमता ऐसी जिसमें भाजपा ने 2 लोकसभा सीटों से शुरुआत कर केंद्रीय सत्ता हासिल की। साल 1984 में
भाजपा को लोकसभा में 2 सीट ही हासिल हुई थी जिसमें अटल बिहारी। और आइए अब सीधा रुख कर लेते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल सदैव अटल का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। पूरे विश्व में गूंज रही है, अटल जी ने ही तो कहा था, याद है, सबल भुजाओं में रक्षित है नौका की पतवार, सबल भुजाओं में रक्षित है नौका की पतवार, चीर चले सागर की छाती, पार करें मझधार, पार करें मझधार। माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर मौजूद हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा दिया गया नारा जय जवान जय किसान के आगे जय विज्ञान जोड़कर राजनीतिक श्रेष्ठता का अप्रतिम उदाहरण दिया था श्रद्धेय अटल जी ने। ये भावना उनकी दूरदर्शिता का ही तो उदाहरण है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसके आगे जय अनुसंधान भी जोड़ दिया। देख रही है दुनिया तुम में उजियाले विश्वास को, एक एक दिन दिव्य बनाकर तोहफा दो इतिहास को, नई रोशनी की तहरीरें लिख डालो आकाश में, उठो बांध लो सारा सूरज अपने बाहुपाश में, उठो बांध लो सारा सूरज अपने बाहुपाश में। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ जी का भी आगमन हो चुका है प्रार्थना सभा में। एक अपराजेय वक्ता, एक संवेदनशील कवि और एक विचारवान लेखक के साथ साथ अटल जी बहुत ही अच्छे इंसान भी थे। इंसानियत के थर्मामीटर की सर्वोच्च डिग्री तक उनके हृदय का पारा पहुंचता था। वे जन जन से प्रेम करने वाले जननायक थे। अटल जी का व्यक्तित्व पूनम की चांदनी जैसा मन भावन था। आकाश के सप्तर्षि मंडल को तो आप सभी देखते ही होंगे, वह ध्रुव नक्षत्र की परिक्रमा किया करता है। श्रद्धेय अटल जी भारतीय राजनीति गगन के ध्रुव नक्षत्र बन गए हैं। हम अपना मस्तक आत्मगौरव के साथ तनिक ऊंचा उठाकर देखें, विश्व के गगन मंडल पर हमारी कलित कीर्ति के असंख्य दीपक जल रहे हैं। भावी की अनगिनत घड़ियां हमारी विजय माला की लड़ियां बनने की प्रतीक्षा में मौन खड़ी है। विचारों के अनमोल मोती और किसी के हो ही नहीं सकते श्रद्धेय अटल जी के। वे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की संकल्प शक्ति, भगवान श्री कृष्ण की राजनीतिक कुशलता और आचार्य चाणक्य की दृढ़ निश्चयी बुद्धि के प्रतीक थे। माननीय राष्ट्रपति महोदया यहाँ पर पधार चुकी हैं प्रार्थना सभा में सम्मिलित होने के लिए। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय राष्ट्रपति महोदया, अटल जी ने विश्व की ताकत वर्ष शक्तियों के विरोध के बावजूद दिलेरी से पोखरण में परमाणु बम का सफल परीक्षण कराया। पोखरण ने एक बार फिर सारी दुनिया को झकझोर दिया था। उन्होंने कहा था कि पोखरण में केवल अणु ऊर्जा का ही नहीं, राष्ट्र की ऊर्जा का भी प्रकटीकरण हुआ है। विश्व गगन पर अगणित गौरव के दीपक अब भी जलते हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी अब पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। सामने की दर्शक दीर्घा से निवेदन है, कृपया भजनों के उपरांत माननीयों के प्रस्थान करने के बाद ही पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आगे आएं। माननीय राष्ट्रपति महोदया, विश्व गगन पर अगणित गौरव के दीपक अब भी जलते हैं। कोटि कोटि नयनों में स्वर्णिम युग के शत सपने पलते हैं। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। माननीय राष्ट्रपति महोदया के द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई श्रद्धेय अटल जी को।
डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन जी की कविता बोलते हुए श्रद्धेय अटल जी ने कहा था, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। अब माननीय उपराष्ट्रपति महोदय पुष्पांजलि अर्पित करेंगे श्रद्धेय अटल जी को। स्वयं श्री शिव मंगल सिंह सुमन ने अटल जी के बारे में कहा था कि ऐसा संवेदनशील कवि जो संघर्षशील योद्धा भी है, चुनौतियां भी देता है और विद्रोह भी करता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है श्रद्धेय अटल जी को। आज अटल जी हम सबको बहुत याद आ रहे हैं, हमेशा से वो हमारे पथ प्रदर्शक रहे हैं। माननीय रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने पुष्पांजलि अर्पित की और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी, और अब उपसभापति हरिवंश राय जी, अटल जी के परिवार के सदस्यगण, रिस्पेक्टेड नमिता जी, रिस्पेक्टेड श्री रंजन भट्टाचार्य जी, और सभी गणमान्य एनडीए के माननीय सदस्यगण, आज हमारे बीच में प्रार्थना सभा में संगीतमय श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हैं पवनदीप जी। पवनदीप जी टीवी का जाना महना पहचाना नाम, चेहरा और आवाज़ हैं। युवाओं में संगीत की बड़ी लोकप्रिय लहर हैं आप। टीवी रियलिटी शोज़ के विजेता हैं। आपकी खासियत है कि आप लिखते भी हैं, गाते भी हैं और कई वाद्य यंत्र बजाते भी हैं। आपने कई एल्बम्स भी बनाए हैं। आप मूलतः उत्तराखंड से हैं, तो आइए सुनते हैं आपके सुर में श्रद्धेय अटल जी को एक संगीतमय श्रद्धांजलि। टीवी का जाना माना नाम, चेहरा, आवाज़, पवनदीप जी। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम दे बिनु हमरा कौन नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम रे बिन हमरा कौन नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम रे बिन हमरा कौन नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, हमरा कौन नहीं।
गगन है मगन, तुम ही तो दिए हो ये सितारे भगवन, ये जीवन तुम ही न सवारोगे तो क्या कोई सवार, जन तो तेने कही है जे पीड़ पराई जानी रे, वैष्णव जन तो तेने कही है जे पीड़ पराई जानी रे, वैष्णव जन
त्यागी परी स्त्री जने माता रे जीवन थाके असत्य न बोले पर धन नव झले हाथ रे वैष्णव जन तो बापू के प्रिय भजन के साथी, अब ये प्रार्थना सभा समाप्त होती है। सामने के दर्शक गणमान्य जन से निवेदन है दीर्घा में कि कृपया कुछ देर बाद ही पधारें, जब माननीय राष्ट्रपति महोदया, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय और माननीय प्रधानमंत्री जी प्रस्थान करेंगे उसके बाद। श्रद्धेय अटल जी ने कहा था, स्वप्न देखा था कभी जो आज हर धड़कन में है, स्वप्न देखा था कभी जो आज हर धड़कन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। एक नया भारत कि जिसमें एक नया विश्वास हो, जिसकी आंखों में चमक हो, एक नया उल्लास हो, एक नया अभिमान अपने देश पर जन जन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है, एक नया संकल्प सा अब तो यहाँ जीवन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। भूख से भूख जो जड़ से मिटा दे वह उगाना है हमें, प्यास ना बाकी रहे वह जल बहाना है हमें, जो प्रगति से जोड़ दे ऐसी सड़क ही चाहिए, देश सारा गा सके वह गीत गाना है हमें। एक नया संगीत देखो आज तो कण कण में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। तारों की ज्योति अक्षुण्ण होती है। मैं निवेदन करना चाहूँगी सामने की दीर्घा से कि कृपया गणमान्य जन एक एक करके यहाँ पर पधारें। तारों की ज्योति अक्षुण्ण होती है, उसे कोई बुझा नहीं सकता, क्योंकि उसमें स्वयं आभा होती है, वे किसी से प्राप्त रोशनी के मोहताज नहीं होते। श्रद्धेय अटल जी भी भारतीय राजनीति के ऐसे ही सितारे हैं, जो अपनी रोशनी आप थे और उनकी रोशनी राष्ट्र की पथ प्रदर्शक है। विपदाएँ आती हैं आएँ, हम ना रुकेंगे, हम ना रुकेंगे, आघातों की क्या चिंता, हम ना झुकेंगे, हम ना झुकेंगे, छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूते ही मुरझा जाएं, छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूते ही मुरझा जाएं, क्या तड़ित घातों से नभ के ज्योतित तारे बुझ पाएंगे। आइए कवि हृदय श्रद्धेय अटल जी की पुण्यतिथि पर एक कविता इस देश के नाम करें।
भीतर जय जयकार हो, ये अटल जी का सपना था। भीतर जय जयकार हो, सरहद पर जय घोष, संकल्पों के सिद्ध में भरे तिरंगा जोश। इतना आगे हम बढ़ें, देखे जगत जहान, सारी दुनिया मिल कहे जय जय हिंदुस्तान, जय जय हिंदुस्तान। भारत माता के इस लाडले सपूत को कोटि कोटि प्रणाम, वंदन और नमन। माननीय राष्ट्रपति महोदया प्रस्थान कर रही हैं। शब्दों के रंगों से रंगी कवि अटल जी की कविताएं। शब्दों के रंगों से रंगी कवि अटल जी की कविताएं सभी संवेदनशील इंसानों की कविताएं हैं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। देशवासियों, ये महज कविता की पंक्तियां नहीं, बल्कि एक ऐसे जीवट आदमी की जीवन गाथा है जिसने भारतीय राजनीति के फलक पर ऐसी इबारतें लिख दी जिसे भुलाया नहीं जा सकता। तो दिल्ली के सदैव अटल से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाए थे, जहाँ पर आज प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया और इस प्रार्थना सभा में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही देश की राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी इस कार्यक्रम के दौरान वहाँ पर उपस्थित रहे और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जी हाँ, आदर्श प्रतिमान, देश के प्रेरणा स्रोत, श्रद्धेय भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि है, जिसमें आज सभी गणमान्य व्यक्तियों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, साथ ही तमाम बड़े नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल सदैव अटल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अर्पित करी। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है और इस मौके पर देश के तमाम बड़े नेताओं के संदेश भी आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने कहा है कि देश में जब जब राजनीतिक शुचिता, राष्ट्रहित के प्रति निष्ठा व सिद्धांतों के प्रति अडिगता की बात आएगी, अटल जी की जरूर याद आएगी। एक तरफ जहां भाजपा की स्थापना के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रहित की विचारिका को लोकप्रिय बनाया, वहीं प्रधानमंत्री के रूप में देश को सामरिक व आर्थिक रूप से मजबूती दी। भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी को उनकी पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन करता हूं। और इसी के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत हैं। जो आंख दिखाए आंख दिखा कर बात करो, साहस तेरा हो अपार ऊंची परवास, हिमालय से गर्जन भारत माँ का हो जो शंख बजे देवालय से, माँ की कोख का मान बढ़ाना वीरो हिंदुस्तान के बंदे। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां देखे मारियो अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। काट! सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब इंतजार है 9:17 का, जब इसरो एक बार फिर से नया इतिहास रचेगा। दरअसल इसरो अपने तीसरे और अंतिम महत्वपूर्ण उड़ान SSLV-D3 के माध्यम से EOS-08 नामक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को आज लॉन्च करने जा रहा है।
इसरो ने इसे अपनी नवीनतम तकनीकों के साथ विकसित किया है। इस उपग्रह को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अब से कुछ देर बाद यानी कि 9:17 पर प्रक्षेपित किया जाएगा। यह प्रक्षेपण यान 10 से 500 किलोग्राम के लघु सूक्ष्म और अति सूक्ष्म उपग्रहों का प्रक्षेपण कर सकता है। यह लॉन्च भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक और मील का पत्थर है। EOS-8 के लॉन्च से अंतरिक्ष में भारत की स्थिति और मजबूत होगी। वहीं साथ ही आपको यह भी बता दें कि ये उपग्रह दिन और रात दोनों में तस्वीरें खींचने में पूरी तरह से सक्षम है, जहां महासागरों, पहाड़ों, बर्फ के आवरण और जंगलों सहित पृथ्वी की स्थलाकृति का अध्ययन करने में ये उपग्रह अहम साबित होगा। साथ ही कम लागत वाले प्रक्षेपणों के लिए डिजाइन किया गया SSLV एक सप्ताह से भी कम समय में तैयार किया जा सकता है, जबकि बड़े रॉकेटों के लिए 30 से 45 दिन लगते हैं। तो इसरो एक और इतिहास आज रचने जा रहा है। अब से कुछ मिनट बाद 9:17 पर इसरो इतिहास रचेगा। देश को मिलेगा नया रॉकेट SSLV-D3। और आपको बता दें कि 10 से 500 किलोग्राम के उपग्रह लॉन्च करने की क्षमता रखता है SSLV-D3। हमारे संवाददाता अनबरासन श्रीहरिकोटा से जुड़ चुके हैं। अनबरासन, आपसे जानना चाहेंगे कि ये कहना गलत नहीं होगा, छोटा रॉकेट लेकिन बड़ा दम, क्योंकि इस छोटा रॉकेट जो है तमाम इसमें विशेषताएं तो हैं ही, साथ ही साथ आने वाले गगनयान मिशन में भी ये सहायक साबित हो सकता है। आज सतीश धवन स्पेस सेंटर में टुडे SSLV-D3 लॉन्च हो रहा है। एग्जैक्टली 9:17 AM दिस रॉकेट इज गोइंग टू लॉन्च फ्रॉम द लॉन्च पैड, एंड वी आर राइट नाउ एट द श्रीहरिकोटा द सतीश धवन स्पेस सेंटर, एंड दिस पर्टिकुलरली द SSLV-D3 लॉन्च विच एक्चुअली स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन दी स्मॉल सैटेलाइट, एंड आफ्टर दिस सैटेलाइट एक्चुअली मोर फोकस्ड ऑन दी Earth Observation Satellite, which is called EOS, and this SSLV actually previously 2-3 times launched, and this is the third time, which significance actually this third attempt, once it's successful, it will be fully added into that proven record, and also this rocket launch actually have a 3 payload, which is more focused on the Google Earth imagination, and particularly the first one will also in day and night it will take, and the second one which also will be a topographic of Indian across Earth and also the ocean and also the snow cover, all these will be covered into this satellite, and also the third one is a dosimeter which also be added into this payload, so it will be analyze the atmosphere, and also it will be helping the Gaganyaan mission where the humans we will be sending soon into the so all this payload will be added into this mission, and also this EOS actually focusing on the small satellite which continuously we are launching as a ISRO is going focused on the more commercialized launches, so it will be very much beneficial to the private sector to enter into the space, so they can also send a small satellite via this SSLV, and this SSLV this current EOS satellite have around 175 kg weight, and also maximum it can this SSLV rocket actually have around 500 kg of weight, they can send it to the orbit, and this continuous push on India's space and focusing on the GSLV, PSLV and the SSLV, so all this more focusing on, and this particular launch will be into the another milestone of ISRO, we can see it from that, and in just few minutes 9:17 it's going to launch from the Satish Dhawan Space Center. चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीधे तौर पर देखें तो अब इंतजार है उस क्षण का, उस पल का, 9:17 जब एक और नया इतिहास इसरो आज रचता हुआ नजर आएगा। तो अनबरासन, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जम्मू कश्मीर विधानसभा से जुड़ी बड़ी जानकारी आ रही है, ये चुनावों से जुड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। निर्वाचन आयोग से बड़ी खबर है कि आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा निर्वाचन आयोग, जिसमें खत्म हो जाएगा इंतजार, क्योंकि कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों की तारीखें जल्द से जल्द आ सकती हैं। तो आज निर्वाचन आयोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए घोषणा कर सकता है दोपहर को कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव
कब तक हो सकते हैं और कितने चरणों में होंगे। आपको बता दें कि दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों से जुड़ी तमाम जानकारी निर्वाचन आयोग देगा। और इससे पहले आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग की एक टीम नेतृत्व में राजीव कुमार के नेतृत्व में, जो कि निर्वाचन आयोग के प्रमुख हैं, 8 से 10 अगस्त तक जम्मू कश्मीर गई थी, वहां चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करी, जहां आने के बाद उन्होंने गृह सचिव से भी मुलाकात की और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के तमाम आयामों पर उन्होंने समीक्षा करी। और अब आज निर्वाचन आयोग की ये महत्वपूर्ण जानकारी जो हम आप तक साझा कर रहे हैं, उसमें यह है कि आज दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकता है निर्वाचन आयोग। ऋषि कुमार ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, एक बड़ी घोषणा हो सकती है, खत्म हो सकता है इंतजार, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, चुनाव आयोग पूरी तरीके से तैयार लग रहा है, अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार है तो तारीखों का। बिल्कुल, देखिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है आज जम्मू कश्मीर के इतिहास में, जिस तरीके से 10 साल के बाद वहां पर विधानसभा चुनावों की समस्त तैयारियों का जायजा लेने के बाद चुनाव आयोग ने पहले तो 2 दिनों का दौरा किया जम्मू कश्मीर का, जिसमें एक दिन श्रीनगर और एक दिन जम्मू में उन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए समस्त जानकारी दी कि किस तरीके से उन्होंने इन सब चीजों की समीक्षा की है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होने चाहिए। तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ उन्होंने मुलाकात की, उनसे बातचीत के बाद उनके राय जानी कि चुनावों की तारीखों किस तरीके की हो और वो लोग क्या चाहते हैं। इसके बाद दिल्ली में उन्होंने गृह सचिव के साथ बैठक करने के बाद इस बात को सुनिश्चित किया कि जो सुरक्षा के इंतजाम है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उनको कैसे डिप्लॉय किया जाए, और इन सबकी समस्त जानकारी के बाद, रिव्यू करने के बाद, अब चुनाव आयोग 3 बजे जम्मू कश्मीर में चुनावों की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। हालांकि चुनाव आयोग हरियाणा में चुनावों की तारीखों की समीक्षा करने के लिए, तैयारियों की समीक्षा करने के लिए चंडीगढ़ का दौरा कर चुका है जी। वहां पर भी चुनावों की तारीखों का ऐलान जल्द हो सकता है, हो सकता है आज भी इसका ऐलान हो। इसकी जानकारी जैसे ही चुनाव आयोग की तरफ से मिलेगी, इसको तस्दीक की जाएगी। लेकिन 2 राज्यों की उन्होंने विजिट करके इस बात की समीक्षा कर ली है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर की, कि वहां पर चुनाव किस तरीके से कराए जाए, क्या क्या जो तैयारियां हैं वो पूरी हुई है। तो उस हिसाब से देखें तो जम्मू कश्मीर को लेकर अब कोई संशय नहीं बचता है, क्योंकि वहां की समस्त जो रिव्यू मीटिंग्स हैं वो हो चुकी हैं, और हरियाणा के लिए भी चूंकि चुनाव आयोग का चंडीगढ़ का दौरा हो चुका है, इसलिए वहां की भी तारीखों का ऐलान आज संभवतः हो जाए जी। बिल्कुल ऋषि, अगर देखा जाए तो 10 सालों का इंतजार, और जो खासतौर पर जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जो आवाम है वहाँ की, वो भी बेसब्री से इंतजार कर रही है, क्योंकि 370 हटने के बाद में ये पहला चुनाव जो काफी कहीं ना कहीं दिलचस्प भी रहेगा और साथ ही एक नया इतिहास भी रचता हुआ इस बार नजर आएगा क्या जम्मू कश्मीर में? देखिए, जम्मू कश्मीर को लेकर जो अभी हमने खासतौर से लोकसभा चुनावों के दौरान जो लोगों के बीच में उत्साह देखा, खासतौर से जो वोटर टर्नआउट है वो इतना अच्छा रहा, और इस बात को चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने जो वहां पर आधारशिला रखी है, अब हमें उसी से आगे बढ़ना है। वहां पर बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहां पर देश के एवरेज वोटर टर्नआउट से ज्यादा वोटिंग हुई, जो ये बताता है कि जम्मू कश्मीर के लोग लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और उन्होंने जो दिलचस्पी दिखाई है वोटिंग पैटर्न बताता है कि चुनाव आयोग की जो मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर टर्नआउट देखने को मिले जी। तो इस बार इसकी पूरी संभावना है कि अब तक के जितने भी चुनाव हुए हैं उनसे अधिक यहाँ पर वोटर टर्नआउट देखने को मिल सकता है जी। जी ऋषि, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में एक नई बयार आई है, एक नई हवा चली है, और साथ ही साथ लोकसभा चुनावों में भी हमने जिस तरीके से वोटर टर्नआउट देखा वो लगातार बढ़ता हुआ ट्रेंड नजर आ रहा है, जम्मू कश्मीर की जनता भी अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये चाहती है कि केंद्र शासित प्रदेश में जल्द से जल्द चुनाव हो और व्यवस्था और बेहतर हो। बिल्कुल, देखिए जमहूरियत में जो उनकी नुमाइंदगी करने वाले लोग अगर उनके द्वारा चुने हुए हों, ये सबसे बेहतरीन व्यवस्था होती है, और जम्मू कश्मीर के लोग अनुच्छेद 370 जो 2019 में हटा था, उसके बाद जो वहां पर परिस्थितियां बनी हैं, अमन चयन का रास्ता आगे अख्तियार किया गया है, और वहां पर जिस तरीके से चाहे वो पर्यटन हो या निवेश हो या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे कि जम्मू कश्मीर राज्य में जो विकास की संभावनाएं हैं वो उत्तरोत्तर बढ़ी हैं, तो ऐसे में वहां पर एक संभावना इस बात की सबसे ज्यादा लोगों के बीच में कौतूहल था कि चुनाव कब होंगे, और वो चाहते थे कि इस
पूरी व्यवस्था में उनकी नुमाइंदगी करने वाले उनकी जो तमाम समस्याएं हैं या वो जो चाहते हैं कि किस तरीके से कामकाज को आगे बढ़ाया जाए, उन सब के लिए वो चाहते हैं कि इनकी नुमाइंदगी करने वाले इस व्यवस्था में मौजूद हों। और इसी वजह से डेमोक्रेटिक वैल्यूज को हमने देखा है कि वहाँ पर वोटर टर्नआउट के माध्यम से बढ़ी हुई दिखाई दी है और बेहद उत्साह है, कौतूहल है। और अभी हम जब इस दौरान चुनाव आयोग का दौरा वहाँ पर था, उस समय हमने भी वहाँ पर देखा था, लोगों में इस बात की बेहद उत्सुकता थी कि वो चाहते थे कि कब जल्द से जल्द इसमें चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाए। तो बेहद ऐतिहासिक पल है, 10 साल के बाद वहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं और आज 3 बजे के बाद चुनाव आयोग इस समस्त जानकारियों को देश के सामने रखेगा। ऋषि, चलिए इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब नजर रहेगी 2:00 PM की, जब निर्वाचन आयोग बड़ी घोषणा करता हुआ नजर आएगा, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के तारीखों की घोषणा कर सकता है आज निर्वाचन आयोग। बिल्कुल, और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कोलकाता में ट्रेन डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर मामले में कई राज्यों के डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। इस खबर पर आगे भी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। काट! सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और लगातार DD न्यूज ऐप को पल पल की अपडेट दे रहा है कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर के मामले में, जहां आज कई राज्यों में डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। इस बीच कल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA ने एक आपात बैठक बुलाई है और फैसला लिया है कि कल यानी कि 17 अगस्त को एक दिन के लिए देशव्यापी हड़ताल की जाए। बिल्कुल, और उससे पहले अगर देखा जाए तो उससे पहले आज शाम 6 बजे तमाम रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन और उनके साथ प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर्स भी इंडिया गेट पर कैंडल मार्च आज निकालते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा IMA ने कल एक आपातकालीन बैठक में अहम फैसला किया कि 17 अगस्त यानी कि आने वाला कल सुबह 6 बजे से लेकर 18 अगस्त की सुबह 6 बजे तक चिकित्सा सेवाएँ बंद रखी जाएंगी। इस दौरान आपातकालीन सेवाएँ जारी रहेंगी, लेकिन रूटीन OPD की सेवाएं बंद की जाएंगी। साथ ही IMA ने यह भी स्पष्ट किया कि इस दौरान टाली जा सकने वाली तमाम सर्जरी भी नहीं की जाएंगी। चिकित्सा संघ ने इस बंद के आह्वान से सभी डॉक्टरों को जुड़ने की भी अपील की है, और खास बात यह है कि फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी FODA ने फिर से हड़ताल पर जाने का अहम फैसला किया है। तो पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर से रेप हत्या के बाद अब IMA की तरफ से ये ऐलान किया गया है और 24 घंटे की हड़ताल का ये ऐलान किया गया है। इस 24 घंटे में सीधे तौर पर देखा जाए तो सिर्फ सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट डॉक्टर्स को भी इसमें साथ आने के लिए आह्वान इसमें किया गया है। तो पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर की नृशंस हत्या के मामले में भाजपा ने भी आज राज्य की हर सड़क को बंद करने का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता सुमेंदु अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से राज्य को ठप करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल ममता बनर्जी के इस्तीफे की एक सूत्रीय मांग के साथ विरोध प्रदर्शन करें। तो कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के बाद देशभर में आक्रोश। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कल देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। उसके साथ ही आपको बता दें कि भाजपा का महिला मोर्चा भी पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा को लेकर आज सड़क पर उतरने वाला है। बिल्कुल, वही महिला मोर्चा कोलकाता स्थित RG मेडिकल कॉलेज के आसपास कैंडल मार्च निकालेगा। इस मार्च में भाजपा के कई दिग्गज नेता भी हिस्सा लेंगी। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के हर एक जिला मुख्यालय में भी भाजपा का महिला मोर्चा कैंडल मार्च आज निकालता हुआ नजर आएगा। तो हर तरफ कहीं ना कहीं इस पूरी घटना को लेकर के काफी गुस्सा है, आक्रोश है। कोलकाता में महिला डॉक्टर की नृशंस हत्या का इस पूरे मामले में हालांकि कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी चौतरफा आंदोलन भी शुरू करने जा रही है।
कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए भयावह अत्याचार और निर्मम हत्या पर हिंदी सिनेमा के कई कलाकारों ने नाराजगी जाहिर की है। बंगाल फिल्म समेत और टीवी उद्योग ने भी इस घटना पर आक्रोश जताते हुए कल विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। वहीं बॉलीवुड में आलिया भट्ट, करीना कपूर, परिणीति चोपड़ा, आयुष्मान खुराना समेत कई कलाकारों ने सोशल मीडिया पर पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हुए पोस्टर साझा किए। पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था पर हैरानी जताते हुए इन कलाकारों ने जल्द से जल्द इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। वहीं आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने घटना पर दुख जताते हुए इसकी निंदा की है। कहा है कि इस तरह की घटनाओं से स्पष्ट है कि सामाजिक नैतिकता में कमी आ सकती है। तो बंगाल में आज बीजेपी महिला मोर्चा का कैंडल मार्च, बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, और आपको बता दें कि कोलकाता में महिला डॉक्टर की इस निर्मम हत्या के बाद पूरे देश भर में गुस्सा, आक्रोश, नाराजगी है। वहीं सीबीआई अपनी जांच कर रही है, लेकिन इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने फोर्डा के साथ मिलकर कल देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है और इस पर ओपीडी सर्विसेज, लैब सर्विसेज लगातार बंद रहेगी। तो कलाकारों ने भी एक सुर में पीड़िता के लिए न्याय की मांग की है। उन्होंने कहा है, उन्होंने इंसाफ की मांग की है। और बॉलीवुड कलाकारों ने अपने एक्स पर संदेश देते हुए, सोशल मीडिया पर संदेश देते हुए इस तरीके की मांग की है कि इस महिला की सुरक्षा लगातार रहनी चाहिए। आपको बता दें कि देश ने कल 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है और इस मौके पर जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार बात हो रही है, और आपको दिखाते हैं कि श्री श्री रविशंकर ने भी इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए आपको सुनवाते हैं कि श्री श्री रविशंकर ने क्या कहा है। You can't imagine in India when doctors are peacefully demonstrating, they are there to save the lives of the people, and they have been attacked. And these attackers, some other time, will have to go to hospital. Just they should imagine who would treat them. This shows such a lack of awareness. And some of these politicians, they would give a few 100 rupees, a few 1,000 rupees. For money's sake, they are ready to do anything. For no reason, why would a mob would enter a place unless they have been tutored and given some money? Can't understand. There is no injustice done to anybody. And a mob comes and attacks the doctors in a hospital that shows that too in a province which is known for its spirituality. तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कोलकाता में जिस तरीके से नृशंस रेप और हत्या का मामला आया है महिला डॉक्टर के खिलाफ, उसमें कोलकाता से लेकर दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज आपको बता दें कि बीजेपी का विरोध प्रदर्शन है, उसके साथ साथ ममता बनर्जी भी सड़क पर उतरेंगी। और कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप और हत्या के बाद बर्धमान में भी एक युवती की क्षत विक्षत लाश मिलने से पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, राज्य के भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने भी वर्धमान की घटना को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तमाम सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि कोलकाता के निर्भया के बाद अब वर्धमान आधी रात को एक खेत में एक युवती का खून से लथपथ शव मिला। उसका गला कटा हुआ था। बंगाल में एक और मां दुखी है। बंगाल क्रूरता का केंद्र बन गया है। मुख्यमंत्री जी, क्या आपको बंगाल की माताओं की असहाय स्थिति दिखाई नहीं देती? तो ममता सरकार पर लगातार भारतीय जनता पार्टी इस वक्त हमलावर होती हुई नजर आ रही, क्योंकि अब एक और मामला इस वक्त सामने आया वर्धमान से। और वहीं पश्चिम बंगाल में शक्तिगढ़ के नादुर झपनाटाला आदिवासी पारा इलाके में एक युवती की शत विशत लाश मिलने से हड़कंप मच गया। पीड़िता की लाश परिवार के ही खेत में मिली, जिससे परिवार और भी ज्यादा खौफजदा है। इस घटना पर भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने राज्य की टीएमसी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन के निगरानी में हो रहे इस तरह के अपराध महिला सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने इस मामले में त्वरित कार्रवाई और न्याय की मांग की है। और डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ।
ऐसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सब की जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब वक्त हो चला है अखबारों की सुर्खियां जानने का। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा रुख करते हैं हमारी सहयोगी संध्या शर्मा का। संध्या, सुप्रभात आपको। आज क्या कुछ बड़ी बड़ी खबरें हैं जिन्हें मुख्य तौर पर प्रकाशित किया गया आज के अखबारों में? सुप्रभात कृतिका और भावना। अखबारों के सुर्खियों की शुरुआत करते हैं कल मनाए गए स्वतंत्रता दिवस की खबर के साथ, जिसे आज सभी प्रमुख अखबारों ने अपने पहले पेज पर प्रकाशित किया है। साथ ही साथ अन्य पेज पर भी स्थान दिया है कि देश भर में किस तरह से स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जब ध्वजारोहण किया तो किन किन बातों की तरफ पूरे देश को इंगित किया और किन संकल्पों को लेकर के देश आगे बढ़ेगा, उसको लेकर के क्या कुछ खास बातें उन्होंने अपने वक्तव्य में, अपने भाषण में कही, उसे आज अखबारों ने जगह दी है। जिसमें लिखा है कि सिविल कोड पर PM ने किस तरह से किले बंदी की, साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन, महिला सुरक्षा, परिवारवाद, जातिवाद पर किस तरह से उन्होंने हमला बोला, ऐसे तमाम बिंदु उनके भाषण के जो थे उसे लेकर के आज अखबारों में स्थान दिया गया है। इसके अलावा एक और खबर आज हमें प्रमुख अखबारों में विशेष रूप से देखने को मिली है, जिसमें है धरती की निगरानी के लिए अब से कुछ ही देर में EOS-8 का प्रक्षेपण होगा, इसे भी आज बताया गया है अखबारों में। और लिखा है कि किस तरह से SLV-D3 रॉकेट के माध्यम से EOS-8 जो है वो उड़ान भरेगा और वो कितना सहायक साबित होगा भारत देश के लिए। एक और खबर की बात करें तो ये है गूगल से जुड़ी हुई, जिसे जनसत्ता अखबार ने लिया है और लिखा है कि गूगल भारत में कृत्रिम मेधा पहल का विस्तार करेगी। जी हाँ, भाषाई जो बाधाएं हैं उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है उसको लेकर के गूगल काम कर रहा है, यानी कि प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल जो है वो उन्नत AI उपकरणों की शुरुआत के साथ भारत पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। एक और खबर की बात करते हैं जो कि रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई है। हिंदुस्तान अखबार ने जश्न आज़ादी पेज पर इस खबर को प्रकाशित किया है और बताया है कि रक्षा क्षेत्र में भारत किस तरह से प्रगति और उन्नति कर रहा है, ना केवल प्रगति कर रहा है बल्कि किस तरह से भारत के बने हुए हथियार दूसरे देशों की ताकत बन रहे हैं। तो तमाम आंकड़ों के साथ आज इस खबर को प्रकाशित किया गया है। चलते चलते एक और खबर की बात करते हैं जो कि आज अखबारों में पहले पेज पर देखने को मिली है, यह है कोलकाता से जुड़ी हुई। दरअसल कोलकाता के अस्पतालों में जिस तरह से तोड़फोड़ हुई और उसके बाद 9 उपद्रवियों को गिरफ्तार भले ही किया गया हो, लेकिन देश भर में किस तरह का आक्रोश है इसको लेकर के आज पूरी खबर अन्य अखबारों में प्रमुखता के साथ ली गई है। विभिन्न क्षेत्रों की खबरों को इतने कम समय में प्रस्तुत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ चलिए अब नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं, जहां आपको बताते हैं कि स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ पर वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टरों ने रन विद डिग्निटी कार्यशाला का आयोजन किया है।
इसके अंतर्गत उन मरीजों को रन में शामिल किया गया जिनका ऑपरेशन किया गया था। हमारे संवाददाता डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम ने ट्रॉमा सेंटर के निदेशक डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर सौरभ सिंह और मरीजों से बातचीत की है, आइए आपको सुनवाते हैं। ट्रॉमा सेंटर एक ट्रॉमा एक वाइडर टर्म है जिसमें रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से लेकर स्पोर्ट्स इंजरी सब कुछ आता है। धीरे धीरे इसका क्रमशः विकास हो रहा है। पहले हम लोग फोकस करते थे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स और असॉल्ट पे। अब हम लोगों ने अपनी ओटी एक स्पेशल यूनिट है डॉक्टर प्रशांत जी की अगुवाई में बनी है जिसमें स्पोर्ट्स इंजरी के पेशेंट्स का और भी हमारे यहाँ प्रोफेसर्स हैं, काफ़ी लोग हैं जो स्पोर्ट्स इंजरी में अपने को स्पेशलाइज किए हुए हैं। सब लोग मिलकर स्पोर्ट्स इंजरी के पेशेंट्स का एक आधुनिक और एज़ पर इंटरनेशनल प्रोटोकॉल से इलाज कर रहे हैं। हम लोगों ने अपने जो स्पोर्ट्स इंजरी के पेशेंट से जिनका लिगामेंट, घुटने का लिगामेंट का टूटना, कंधे का बार बार उतरना, ये जो खास दो तरह के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और भी दूसरे लिगामेंट्स इंजरी के पेशेंट आते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग ये दो तरह के पेशेंट आते हैं जिनमें कंधा बार बार उतरता है, उनका हम लोग दूरबीन विधि से ऑपरेशन करते हैं। ये जनमानस तक पहुंचाना जरूरी है कि वो सारे स्पोर्ट्स इंजरी के पेशेंट का यहाँ आधुनिकतम इलाज हो रहा है और जो इलाज करने के लिए आवश्यक दूरबीन, ऑपरेशन की सामग्री और रिहैबिलिटेशन के लिए उनके जो आवश्यक फिजियोथेरेपी का जो सामान चाहिए वो सब कुछ सर ने हमारे यहाँ सर की कृपा से वो सब कुछ उपलब्ध कराया है। तो हम लोग काफ़ी अग्रसर हैं और आगे भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि और इसको बेहतर करेंगे। मैंने 12 साल बाद अपना ऑपरेशन कराया और काफ़ी अच्छा रहा और मैं चल फिर रहा हूँ, अपना सारा काम कर रहा हूँ और सीढ़ी भी चढ़ उतर रहा हूँ, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। खेलते समय मुझे चोट लगा था, लिगामेंट इंजरी हुई थी, लेकिन ऑपरेशन के बाद अब ठीक है, अब चल फिर रहा हूँ, दौड़ भी रहा हूँ। ट्रॉमा सेंटर आधुनिकतम सुविधाएँ भी दे रहा है, आधुनिक रूप से चिकित्सा भी कर रहा है और जैसे कि प्रधानमंत्री की सोच है, प्रयास है कि वाराणसी को मेडिकल हब बनाने की, वो ट्रामा सेंटर उस ओर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उस उम्मीद को जो पेशेंट्स हैं उन उम्मीद को आगे बढ़ा रहा है वो यहाँ आए। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, ट्रामा सेंटर। और इसी बीच नया समय में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज़। पे हम छाएंगे, जो करना है कर जाएंगे, रोक सको तो रोक के देखो, अब ना रोके जाएंगे। सोने की चिड़िया था अपना भारत, हमको ज्ञात है, फिर ऐसे ही भारत का निर्माण करो तो बात है। देश बड़ा है, हर मजहब से युवा शक्ति का नारा है, विकसित भारत हो अपना, अब ये संकल्प हमारा है, अपने हर संकल्प को हमको सिद्धि तक ले जाना है। इस दुनिया में भारत की सभ्यता का परचम लहरा रहा है, जिस मिट्टी पे जन्मे हैं हम उसका कर्ज चुकाना है, हर भारतवासी को अपना अपना फर्ज निभाना है। अग्नि जैसा काम हो जिसमें अग्निवीर बन जाता है, और वायु की गति से चलता तो तेजस कहलाता है। भगत सिंह या वीर शिवाजी या सुभाष हो बलिदानी, हो पटेल अब्दुल हमीद, सभी थे हिंदुस्तानी। मातृभूमि पर मिटने वाले एक नहीं कई लाख हैं। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। फिर होगा भारत अखंड, तुम कदम बढ़ाओ नहीं रुको, सीमा पर जो आंख दिखाए, आंख दिखा कर बात करो, साहस तेरा हो अपार, ऊंची पर बास हिमालय से, गर्जन भारत माँ का हो जो शंख बजे देवालय से, की कोख का मान बढ़ाना वीरो हिंदुस्तान के। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय भारत। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। लेकिन इसी के साथ में वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। और नया सवेरा कि आज के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं कर्नाटक में भारत के दूसरे सबसे ऊंचे झरने जॉग फॉल्स की सुंदर तस्वीरों के साथ में। तो कर्नाटक का जो सबसे लंबा जॉग फॉल्स की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, 830 फीट की सीधी गिरावट के साथ प्राकृतिक दृश्य देखने लायक है। आप इन तस्वीरों का आनंद लीजिए। आपका दिन मंगल में हो इसी मनोकामना के साथ मुझे कृतिका और नया सवेरा की टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे गैलेंट एडवांस रैबर निर्माण का।